हालात हो गए पंजाब के, सिक्योरिटी किन्ने को दिती जा सकती है, और जे दे भी दिती कि सिक्योरिटी बचा लेंदी है बंदे तो असी हालात क्यों ने हो जे बनाई भी सिक्योरिटी की लोड़ ही ना पड़े। मैं कुल सरकार को चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो मैं सब को जाके बीरों वेख लिया पर सवाए लाड़ियों तो कुछ नहीं पले पैंदा। जदों कोई इंक्वायरी की गल आउंदी है जदों कोई कार्रवाई की गल आउंदी है गल कित्थे खड़ जाती है लास्ट वाली टीम के उत्ते जाके जिन्हां ने फिजिकल असाल्ट किया गोलियां मारियां उह तां भरावो करिंदे सी। मैं चाहुंदा भी मास्टरमाइंड इहदी जड़ कौन है। मेरा उन्हां नाल कोई गिला नहीं जिन्हां ने दिहाड़ी लई ते गोलियां मार के चले गए वह तां अपनी ड्यूटी बजा के चले गए। पर इन्हां नूं शुभदीप नूं मारन वास्ते लगभग 125 करोड़ के वैपन यूज किए गए रशियन वैपन्स AK-47 ला लो 45 का पिस्टल 30 के पिस्टल इंपोर्टेड पिस्टल कोई यह नहीं है कि यूपी कानपुर वाला बनया हुआ उन्होंने ग्रनेड और इन्ना वड्डा हमला किया गया तो सिद्धू गलत की करता है। और एक इनफॉरमेशन भी ना दे 28 साल 11 महीने 17 दिन ज्यों के मेरा बच्चा चला गया एक दिन भी कदे मैनू कंप्लेंट नहीं आई कॉलेज पढ़ते तो नहीं आई स्टेजा लाते तो नहीं आई बचपन के कदे घर लंबा लेके नहीं आया। जे कोई वो कमी सी वो मैनू तो दस देंगे तुहानू पैसा चाहिए सी मैनू तो दस देंगे भाई तेरे पुत्र मारेंगे नहीं तो दे जे पैसे। और मैं तो यह सोचता रहा मेरी किसी के नाल दुश्मनी नहीं है साडा सारा पिंड सिद्धुआं दा सारे पिंड दे विचों एक भी घर दूसरा नहीं है टोटल सिद्धू ने। इस करके मेरे पुत्र ने अपना नाम सिद्धू मूसेवाला रखा भी मेरे पिंड का हर एक नौजवान अपने आप को सिद्धू मूसेवाला महसूस करे। और मैं इस मूसे को इन्नी दूर तक लैके जिथे जिथे मैं जावा उत्थे उत्थे मेरा पिंड नाल जावे ये उहदी मंगना सी गल सारा। और उन्हें अपना अपने केस अपनी पगड़ी नूं 150 मुल्कां दे विच पहुँचाया शायद सारिया श्रोमणी कमेटियां साडे प्रचार कमेटियां तो उन्ना कम नहीं होया जिन्ना उन्हें साडी पंजाबीयत नूं और साडी पग नूं साडी जबान नूं जिन्हें मुल्कां दे विच पहुँचाया। तुसीं देखो सारे इन्ना रे भरा बैठे जिहड़ी नैक्सट अपनी तीसरी जनरेशन आउंदी है उह इंग्लिश बोलण लगी हुई है सर। पर मैं इस गल नूं बड़े माण नाल कह सकदा भी अज के जो बच्चे पेश थोड़े घर जन्म लिया हो पर वो बच्चे सिद्धू के गाने सुनते हैं कि मेरे बेटे का यही गलती सी भी उन्हें पग नूं प्रमोट किया पंजाबी मां बोली नूं प्रमोट किया और उन्हें यो जहा गाया जिन्हों तुसीं धी भैणां दे सामने आसानी ना बह के सुन सक जी। उन्हें जिथे मां नूं वड्याई दी कदे कदे मैनूं लगता मां बिल्कुल तेरे वर्गा है कदे मां दे नाल नाल प्यो नूं कहा कि दुनिया की कि शह चाहिए दस बापू पुत तेरा हुण इन्ना जोगा हो गया क्योंकि उन्हें मेरिया तकलीफां देखिया बापू किन्नी कंजूसी नाल पैसे दिंदा सी किन्नी छोटिया छोटिया मेहनत करके दिंदा सी। असीं हर छोटा कम वीरो आपणे हत्थी कीता असीं जद्दी कुश्ती लैण लोड़ नहीं है ये गल वक्खरी है भी पुत मेरा मैनूं बादशाह बना के गया और मैनूं जाण लगे गल कह के भी गए भी बापू किसी अगे हथ नहीं अड़ने पर मैं उहदी गल दे उत्ते बचदा मैं तुहाडे कोले आया तुहाडे तो नैतिकता दे आधार ते हमायत मंगण आया भी भरावो मेरा इकलौता बच्चा सी मेरी जड़ पटकी बिल्कुल तुसीं मेरी कम्युनिटी बैठे हो मेरे हक च आवाज़ उठाओ इन्हां जिहड़ी अन्नी बोली सरकार बैठी है इहदे कन्नां तक तुहाडी आवाज़ जरूर जावे चाहे वह डिप्लोमैटिक तरीके ना जावे चाहे प्रेस के माध्यम ना जावे चाहे वह सोशल मीडिया के जरिए जावे तो वालों इन्नी कोई मेरे लिए टाइम कदम संडे वाले दिन छुट्टी वाले दिन जो भी थोड़ा वक्त लगता है मेरी मदद करो सिद्धू मैं बायोलॉजिकल फादर वाला जरूर हाँ वापिस जी पर जिन्ना सिद्धू मेरा से उन्ना थोड़ा भी सी क्योंकि मैं बड़े जो विद्वान मेरे घर आए बुद्धिजीव आए घर मेरे को कहते जी जब तक उन्हें 295 गाना नहीं गाया तद तक वह थोड़ा मुंडा से उस तो बाद एक प्रॉपर्टी है जी पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया सी जी। और तुम यकीन मनो मैं वह जो बुत लाया हुआ ना उन्होंने पहले शेड पाता वो उत्ते फिर उस तो बाद शीशा लाता भी आने
ਉੱਥੇ ਧੂੰਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਨਵਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਈ ਪੱਗ ਤੇ ਖੜਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਮੜਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਟੋਕਰਾ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਭਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬਿਲਕ ਬਿਲਕ ਕੇ ਰੱਖੜੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡੀ ਜਲੀਲਤਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਸਾਦਗੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਟਾ ਦੇ ਚੱਪਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਲੋਅਰ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਰਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਮਗਰ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਤੀਆਂ 7 ਦਿਨ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੌਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਸਟਿਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਈਏ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਹੂੰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਬੇਮਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕੱਢੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਸਣਗੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਾਹ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ